आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग पासिंग ओवर एन आइडियल पुली एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे को फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे दो इक्वल मासेस लगे हैं, यहाँ पे एक पुली से पास हो रहे हैं और आइडियल पुली है और आइडियल स्ट्रिंग भी लगी है इनके बीच में, है ना। मतलब इनका जो मास है, आइडियल का मतलब है ये जो मास है इनका, पुली का और स्ट्रिंग का, ये नेग्लिजिबल है। अच्छा, अब आगे कह रहा है, ऑल दी सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट विद ब्लॉक्स आर रफ हैविंग कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू। तो यहाँ पे जो है, ये अपना जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन जो दिया है, इसका कोफिशियंट जो है म्यू है, अपन को पता है, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, तो बिटवीन दम लिख दिया। अच्छा, अब आगे कह रहा है, इफ द ब्लॉक स्लाइड्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ब्लॉक जो है स्लाइड कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। तो यहाँ पे बोल रहा है मेरे से, अगर ये दोनों ब्लॉक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन जो है इन बॉडीज के पास में ये जीरो है, ठीक है, मतलब जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जो भी है इस सिस्टम पे, नेट फोर्स जो है ये बिल्कुल जीरो के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो फोर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसके ये तो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो इसमें सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक लग रहा होगा, मान लो एफ वन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये वाला ऐसे लटक रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स इसको नीचे खिसकाने के लिए और एक फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए, ठीक है, बस। और यहाँ पे कुछ चलाने के लिए फोर्स नहीं है और एक्स्ट्रा, और इस पर भी नहीं है, तो बस यही दो फोर्स हैं और इनको ही बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब करते हैं, चलो, तो यहाँ मैं फ्रिक्शन की वैल्यूज फाइंड कर लेता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ अपना ये वाला जो ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल में रखा है, इसको बनाते हैं। तो इसका अगर एफ बी डी बनाएंगे तो इसका क्या है, एम जी नीचे की तरफ आएगा, तो इस ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इसका, तो यहीं पे इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल में नॉर्मल फोर्स जाएगा और नॉर्मल फोर्स कितना होगा, एम जी के बराबर ही होगा, ठीक है। और यहाँ से अपना जो फ्रिक्शन है एफ वन, ये क्या होता है, म्यू इंटू एन, तो यहाँ से मेरा फ्रिक्शन जो एफ वन की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है म्यू एम जी, ठीक है, जो मेरे फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है एफ वन की, म्यू एम जी आ गई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब अपन इस वाले ब्लॉक को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ब्लॉक में क्या है कि ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ना, एक सरफेस पे ये मास है इसका m, और ये जो इंक्लाइन है ये एंगल बना रही है यहाँ से 53 डिग्री, है ना। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि इसका जो है mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, mg फोर्स, ठीक है। तो अब ये 53 है, तो इसका अगर कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल से बैलेंस होगा तो फ्रिक्शन में काम आएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये इसको चलाने में काम कर रहा होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है अपना, एक और है यहाँ पे, एक टेंशन फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। और इसका एफपीडी अगर पूरा बना लिया जाए, ये तो नॉर्मल बस देखने के लिए, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन एफ वन फोर्स और यहाँ पे एक टेंशन टी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आइडियल स्ट्रिंग है ना, तो टेंशन अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टेंशन टी ही रहेगी, ठीक है, तो टेंशन टी है दोनों में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसे कंपोनेंट लूँ इसके, ये एम जी के, तो ये 53 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 53, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब 90 माइनस 53 है, तो ये वाला एंगल वापस 53 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे एम जी कॉस 53 इस साइड आ जाएगा और इधर आ जाएगा एम जी साइन 53, ठीक है। और तो अब इसको बना लेते हैं अच्छे से एफपीडी में, तो अब क्या होगा कि इसका अगर मैं एफपीडी अच्छे से बनाऊं, तो यहाँ से एक तो एम जी कॉस 53, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो कॉस 53 क्या होता है, कॉस 53 जो होता है ये होता है अपना 3/5, तो 3/5 एम जी यहाँ पे, और साइन 53 होता है 4/5, ये होता है 4/5, तो ये जो है 4/5 एम जी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसका एफपीडी अगर बनाऊंगा, तो यहाँ पे जो मेरा लग रहा है ये लग रहा है इस साइड 3/5 एम जी, तो इसके पैरेलल में नॉर्मल फोर्स होगा क्योंकि यहाँ सरफेस है और इसका इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है,
तो नॉर्मल फोर्स आएगा, और इधर लग रहा है एक टेंशन, इधर लग रहा है एक 4/5 mg से नीचे खींचा जा रहा है, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी लग रहा है, यहाँ पे अपना एफ लग रहा है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू तो क्या होगी, म्यू इंटू एन, एन वन मान लेगा नॉर्मल फोर्स, तो म्यू इंटू एन वन, तो एन वन क्या होगा पहले मेरा, एन वन जो होगा मेरा इस डायरेक्शन कोई मोशन नहीं है, तो एन वन जो है इस फोर्स के बराबर आएगा 3/5 mg के, तो यहाँ से जो मेरा फ्रिक्शन है एफ वो आ जाएगा म्यू इंटू एन वन, एन वन क्या है मेरा 3/5 mg, तो यहाँ से जो फ्रिक्शन आ रहा है मेरा 3/5 μmg आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक टेंशन भी लग रहा है, अब इसको जो है इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ये 0 है, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है सब बैलेंस कर देते हैं, तो इस डायरेक्शन में एक 4/5 mg इस तरफ लग रहा है, ठीक है, इसको रोकने के लिए टेंशन लग रहा है, और टेंशन का फोर्स जो है अपना इससे निकाल लेंगे कि यहाँ पे जो है ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 है, तो इस पे जो है यहाँ इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है ये 0 लग रहा है, तो यहाँ से जो है अपना टेंशन क्या है किसके बराबर आ जाएगा, एफ वन के, ठीक है। तो टेंशन मेरा एफ वन के बराबर आ गया वहां, यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ से टेंशन क्या है मेरा एफ वन के बराबर, एफ वन, और मेरा यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन, अब यहाँ पे दोनों की वैल्यूज रख देते हैं, तो 4/5 mg जो है ये इक्वल है मेरा, एफ वन की वैल्यू क्या है मेरे, एफ वन की वैल्यू थी मेरी μmg, तो μmg प्लस एफ की वैल्यू क्या है मेरी 3/5 μmg, तो 3/5 μmg, यहाँ से mg से mg सारे कैंसिल हो जाएंगे, mg यहाँ से फिर आ रहा है मेरा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4/5 इक्वल टू, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो 5+3 8/5 μ, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो इधर से मेरा म्यू की वैल्यू आ रही है सीधे सीधे 4/8, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, तो ये मेरा म्यू की वैल्यू आ गई मेरी 1/2, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे से क्या पूछ रहे थे, मेरे से फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू ही लिखा गया था, तो म्यू की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, हाफ, तो ऑप्शन में अगर चेक करें तो जैसे कि बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।